हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद और मैं हूँ इस समय बलिया के स्टेशन रोड पर। अभी चलते हैं ज़रा रेलवे स्टेशन की तरफ। आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का रेलवे स्टेशन किस तरीके का है बलिया का। सो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट से व्यू। सो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से किस तरीके का है रेलवे स्टेशन। एक बार इसका जो ये है वो है प्रवेश द्वार, इसके बाद हम यहाँ से एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में है पूछताछ यानी इंक्वायरी काउंटर, एक बार वो दिखाता हूँ। यहाँ काफ़ी सारे लोग मुझे घूर रहे हैं। और ये है यहाँ से एंट्री गेट, ये है यहाँ का एंट्री गेट। एंट्री करते ही ये आ जाता है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 और जस्ट राइट लेंगे उसके बाद सीधे आएगा फुल। लॉट्स ऑफ पैसेंजर आर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन्स। देखो आप लोगों के रिएक्शन देखो किस तरीके से। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकान है, एएच व्हीलर, सर्वोदय बुक स्टॉल और ये स्टेशन बलिया का। बलिया देखो पीछे लिखा बलिया। चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, एक बार मैं आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हालांकि देखा जाए तो ज़्यादा फूड स्टॉल तो नहीं है और यहाँ पे है एक ट्रेन कुछ लिमिटेड जो कि है यहाँ पे फूड स्टॉल है। उसके बाद एक ही अमूल का है सामने की तरफ, दिखाता हूँ एक बार। मिल्क स्टॉल आगे स्टेशन बलिया। आगे जाके ये प्लेटफॉर्म हो जाता है ख़त्म। कैसा लगता है रेलवे स्टेशन आपको? मीडियम में ठीक लगता है। मीडियम में ठीक है नहीं, क्लीननेस वगैरह ज़्यादा अच्छा है, एवरेज ठीक है लगभग। चलिए ठीक है जी, उनकी तो ये रहा है। बाकी आगे का जो रेलवे स्टेशन है वो भी आपको दिखाता हूँ नहीं। चलिए चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बनी है जो कि नहीं थी, पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। दिखाता हूँ ज़रा क्या है ये। बलिया के जिन चीज़ों के लिए फेमस है, शहीद मंगल पांडे, महर्षि भृगु और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, ये सारे के सारे लोग बलिया से। सीढ़ियाँ यहाँ की देखता हूँ, अजीब सी है। और पुल से किस तरीके का नज़ारा लगता है। तो वो था प्लेटफॉर्म नंबर 1। अब दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर, भाई साहब ये वाला कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है? कौन? ये वाला दो। सो अब 2 और 3 की बारी है, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। सो काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे भी कुछ ऐसी खास चीज़ें तो नहीं हैं, लोग अपनी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्ट्रीट फूड जैसे कि समोसा और लिट्टी जो कि है बलिया की फेमस। वही है फूड स्टॉल और इस कैमरे को उठाते उठाते तो हाथ दर्द कर गया। और मैं हूँ इस समय फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये है 2 पर आ रही है 3 जस्ट लेफ्ट साइड में। ऑकवर्ड महसूस नहीं हो रहा है मुझे क्योंकि अब धीरे धीरे इस तरीके से लोगों की घूरने की आदत को मैं झेलता जा रहा हूँ। अब मेरे पीछे जो आने वाली है ट्रेन आप देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल एंड होते जा रहा है क्योंकि अब आगे जाके प्लेटफॉर्म ख़त्म होने वाला है। मेरे पीछे आ रही है ट्रेन, आई डोंट नो कि कौन सी ट्रेन है और ये कहाँ जाएगी, बट आई होप कि ये ट्रेन जो है बिहार से होती हुई जाएगी। कैसे भाई साहब? फाइन। चलो ठीक है, अब जाके यहाँ तो प्लेटफॉर्म लगाओ लगाओ ख़त्म ही हो रहा है। ये देखो
ये चलती है मुंबई से दरभंगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप हैं बलिया से तो डेफिनेटली लाइक करना ना भूलें, क्योंकि समझ रहे हो ना क्यों मैं ये कह रहा हूँ आपसे। हालिया की बलिया का जो रेलवे स्टेशन है एवरेजली कहा जाए गुड, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 दोनों पे आपको वाटर रिफिल सेंटर दोनों की दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अभी जो काफ़ी सारे पैसेंजर आए हैं लोक मान्य तिलक से वो उतर रहे हैं और उनके उतरने की वजह से क्या हो गया काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका है। ये जो रास्ता है ये जाता है टेम्पो स्टैंड की तरफ, यहाँ से आप पीछे की तरफ जाएंगे टेम्पो स्टैंड मिल जाएगा और ये वाला रास्ता भी शायद प्लेटफॉर्म पे जाता है। लेते हैं ये वाला रास्ता प्लेटफॉर्म पे जाता है, ये वाला रास्ता प्लेटफॉर्म पे जाएगा, रोड रेलवे ये बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये जो रास्ता मेरे पीछे जा रहा है जैसे जो अपोजिट है बिल्कुल टेम्पो स्टैंड के, ये सीधे सीधे बाहर निकलेगा, ये रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएगा। अगर आपको जाना है रेलवे स्टेशन तो उसके लिए आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से बस नज़ारा दिखाता हूँ किस तरीके का लगता है। नहीं तो क्या, हाँ बलिया को कवर कर रहे हैं, बलिया आके चाहती है दुनिया देखना बलिया की खूबसूरती को, यहाँ के लोगों को कैसे हैं यहाँ के लोग। तो और ये है वेटिंग, ये है टॉयलेट राइट साइड में जाते लेफ्ट साइड में और ये है यहाँ का वेटिंग। अब समय आ चुके हैं अभी सामने 19:30 निकलती है रिक्शा, चलो चलते हैं, आप लेट हो रहा होगा नहीं, चलते हैं। ये है मेरे फ़ोन की, मेरे कैमरे की बैटरी भी ख़त्म होती जा रही है। एक बार लास्ट व्यू दिखाता हूँ मैं बलिया रेलवे स्टेशन का आपको। और रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलोगे काफ़ी सारे आपको फूड स्टॉल मिल जाएंगे, खाना खाना हो, पानी पीना हो, कोल्ड ड्रिंक खाना हो, मूँगफली खाना हो, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट इज़ अवेलेबल हियर। और ये जो रास्ता है सामने वाला ये जाता है मार्केट की तरफ, ये है बलिया रेलवे स्टेशन के बाहर रखी हुई ट्रेन। ये आप भी लोग इस वीडियो को देख देख के बोर हो चुके हो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।